हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो लो लाइंग प्लेसेंटा सोनोग्राफी में आता है, शुरू के 3 महीने में जो 12 वीक्स की सोनोग्राफी होती है, उसमें बहुत कॉमनली लो लाइंग प्लेसेंटा आता है। तो क्या हमें चिंता करनी चाहिए, उससे संबंधित हमने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और क्या इससे कोई कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है? तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर लो लाइंग प्लेसेंटा आता है पहले तिमाही की सोनोग्राफी में, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट अराउंड 50-60% सोनोग्राफीज़ में आता है। एंड 95% ऑफ दीज सोनोग्राफीज़ जो प्लेसेंटा होता है, वो बच्चे की ग्रोथ के साथ ऊपर माइग्रेट कर जाता है और पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। सेकेंड थिंग, हमें जब भी लो लाइंग प्लेसेंटा डायग्नोस होता है, तो हमें उससे संबंधित क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो मैं पेशेंट को 3 ही चीज़ें बोलती हूँ कि आप एग्जर्ट मत करिए, रिलेशन मत बनाइए हस्बैंड के साथ, और आप बहुत ज़्यादा हैवी और एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग मत करिए। अगर आप ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो ज़्यादातर केसेस में कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं। और लो लाइंग प्लेसेंटा जो है, ये क्या इससे कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो अर्ली प्रेगनेंसी में आने वाला जो लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, उससे 95% केसेस में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। जो सिर्फ 5% केसेस रह जाते हैं, जिसके अंदर कभी कभी पहले 3 महीने या 5 महीने में पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती है, वो भी 99% केसेस में दवाइयों से और इंजेक्शन से कंट्रोल हो जाती है। और मान लीजिए कि ये ब्लीडिंग अगर कंटिन्यूड रहती है, तो डेफिनेटली बच्चे को रिस्क है, जिसमें बच्चा अबॉर्शन हो सकता है या उसको प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। पर ऐसे पॉसिबिलिटी सिर्फ लेस देन 1% है, ज़्यादातर केसेस में वो कंट्रोल हो जाता है। लो लाइंग प्लेसेंटा सिर्फ तभी रिस्की रहेगा अगर लो लाइंग प्लेसेंटा 3rd trimester में, मतलब 9th month में भी कंटिन्यूड रहेगा। उस केस में पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना, प्रीटर्म डिलीवरी का होना, ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ना, एमरजेंसी में सिजेरियन करना, सिजेरियन के बाद ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ना, ब्लीडिंग का ना रुकना, इस तरह के लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी होने के चांसेस रहते हैं। तो बॉटम लाइन इस वीडियो के बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर 12 हफ्ते की सोनोग्राफी में लो लाइंग प्लेसेंटा आया है, तो प्लीज़ आप चिंता मत करिए, सिंपली प्रिकॉशंस फॉलो करिए। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोचना आपका काम नहीं है, डॉक्टर का काम है। थैंक यू।